ये सब सोच के मैंने ये रोल फाइट किया. हेलो एवरीवन, पाकिस्तानी क्राइम थ्रिलर फिल्म लाल कबूतर के लीड रोल्स में आपको नजर आएंगे अहमद अली अकबर, मंशा पाशा और अली काजमी. इसकी कहानी घूमती है कराची के क्राइम और गैंग कल्चर के गिर्द. आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फिल्म की फीमेल लीड मंशा पाशा. आप इस फिल्म में आलिया मलिक का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं. पहले हमें उसके बारे में बताएं और ये भी बताएं कि पब्लिक को इस फिल्म से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए. माई कैरेक्टर्स नेम इज़ आलिया मलिक. She's gone through a struggle in her life and is now coming to terms with it within the realm of the story. Kamal Khan ने डायरेक्ट किया है इसको और producers हैं हनिया और कामल चीमा. फिल्म इसलिए आप देखने आए क्योंकि ये एक डिफरेंट फिल्म है, मज़े की फिल्म है, इंटरटेनिंग है, एज ऑफ द सीट है, थ्रिलर है. तो इस किस्म की और फिल्में बननी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान में तो हर किस्म की फिल्म बननी चाहिए. और यही एक्सपेक्ट करें आप कि आपको मज़ा आएगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा और बस पाकिस्तानी सिनेमा सपोर्ट करें. मंशा, जैसा कि आपने हमें बताया आपका कैरेक्टर बहुत ही चैलेंजिंग और रियलिटी बेस्ड लग रहा है, क्या यही रोल देखते हुए आपने फिल्म को साइन किया? फिल्म साइन मैंने इसलिए की, इससे पहले जो कमाल ने काम किया था वो मैंने देखा था और मुझे बहुत पसंद भी आया था. उन्होंने एक म्यूज़िक वीडियो डायरेक्ट की थी डेजर्ट जर्नी डीए मेथड, वो मैंने देखी और मुझे उनका काम बहुत ज़्यादा पसंद आया. बहुत मुतासर हुई मैं उनके काम से. और उसके बाद जब उन्होंने मेरा ऑडिशन किया, उन्होंने कहा मुझे कि आप तुम्हें रोल करो, तो फिर मैंने कहा कि बिल्कुल मैं करूँगी. और इसी वजह से मैंने साइन की. बाकी मैंने टीम को देखा कि कैसे लोग हैं, सब जो है अपने काम में बहुत ही एक्सपर्ट्स थे. जो न्यू कमर्स थे वो भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, बहुत जज्बा था उनके अंदर. तो ये सब सोच के मैंने ये रोल साइन किया. थैंक यू मंशा. अब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा बिजनेस करेगी ये तो हम आपको जरूर बताएंगे अपनी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट में. तब तक के लिए उन्हें बेस्ट ऑफ लक. दैट्स इट फॉर नाउ. स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़.